में इंतकाल कर गए हैं। मोहम्मद अली सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल थे। अमरीका के एक अस्पताल में मोहम्मद अली का इलाज किया जा रहा था। और आपको ये भी बताएं कि मोहम्मद अली की तदफीन उनके आबाई शहर केंटकी के लुइसविल में होगी। बॉक्सर मोहम्मद अली ने 1984 में पार्किंसन की तशखीस के बाद बॉक्सिंग छोड़ दी थी। और बॉक्सर मोहम्मद अली 1964 और 1974 और 1978 में आलमी चैम्पियन बने। मोहम्मद अली ने 22 साल में 61 मुकाबले लड़े जबकि 56 जीते और 37 नॉकआउट किए। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली इंतकाल कर गए। मरहूम की उम्र 74 बरस थी और अमेरिका के अस्पताल में जेरे इलाज थे। मोहम्मद अली ने 23 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और ज़िंदगी के 20 साल खिदमत खल्क में गुजारे। और आपको बताएं कि बॉक्सिंग किंग का इंतकाल ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड बन गया है जबकि कई आलमी रहनुमाओं की जानिब से इजहार अफसोस किया गया है। बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की उम्र 74 बरस है और अमेरिका के एक अस्पताल में मोहम्मद अली जेरे इलाज थे। सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया था। दो रोज़ कबल मोहम्मद अली को 12 ऐसी इत्तला आती रहती थी मोहम्मद अली की सेहत के हवाले से कि मोहम्मद अली की सेहत कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन अब मोहम्मद अली अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। बॉक्सर मोहम्मद अली इंतकाल कर चुके हैं। मरहूम की उम्र 74 बरस थी और अमरीका के एक अस्पताल में मोहम्मद अली ज़ेरे इलाज थे। सांस की तकलीफ के बायस मोहम्मद अली को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन मोहम्मद अली जाम भर ना हो सके और मोहम्मद अली अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। बॉक्सिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम और बॉक्सिंग की दुनिया के साथ साथ अवामी फलाह के लिए भी मोहम्मद अली जाने जाते थे और अवामी फलाह के अवामी खिदमत के बहुत ज़्यादा काम कर रखे थे मोहम्मद अली ने, लेकिन आज ये अजीम शख्सियत हम में नहीं रही। सांस की तकलीफ के बायस एरिजोना के फेनिक्स अस्पताल में जेरे इलाज थे। डॉक्टर ने अजीम बॉक्सर के अगले चंद घंटे अहम करार दिए थे। इससे पहले 2015 और 2014 में भी मोहम्मद अली तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल हुए। मोहम्मद अली को गुज़श्ता 10 बरस से पार्किंसन का अर्सा लाहक था जिसके बायस उन्हें रेशा आता था। अहले खाना के मुताबिक साबिक अजीम बॉक्सर गुज़श्ता एक हफ्ते से इंतहाई नगहदाश्त के वार्ड में थे। दौरान इलाज उन्हें मस्नूई तनफ्फुस भी प्रदान किया गया, लेकिन उनकी हालत ना संभल सकी। उनके अहले खाना के मुताबिक उनकी तदफीन उनके आबाई शहर केंटकी के लुइसविल में होगी। साबिक हैवीवेट चैंपियन मोहम्मद अली के तर्जुमान ने तस्दीक की थी सांस की तकलीफ के बायस उनका। अज़ीम बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली इंतकाल कर गए हैं। मोहम्मद अली की उम्र 74 बरस थी और 74 बरस की उम्र में मोहम्मद अली इंतकाल कर गए हैं। अमेरिका के एक अस्पताल में मोहम्मद अली को इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन मोहम्मद अली को सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में लाया गया, लेकिन मोहम्मद अली जाम भर ना हो सके। मुतअद्दिद बार इत्तला आती थी मोहम्मद अली की खराबी सेहत के हवाले से, लेकिन इस बार मोहम्मद अली जब अस्पताल पहुँचे कुछ रोज़ अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे, लेकिन बिलाखिर मोहम्मद अली अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। 74 बरस की उम्र में मोहम्मद अली इंतकाल कर गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि इस अजीम बॉक्सर ने 23 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया था, दार इस्लाम में शामिल हुए थे और मोहम्मद अली एक मुसलमान की हैसियत से भी जाने जाते थे, अजीम बॉक्सर की हैसियत से जाने जाते थे, एक सोशल वर्कर की हैसियत से जाने जाते थे, अवामी फलाह के कामों के हवाले से जाने जाते थे, लेकिन आज ये अजीम शख्सियत इस दुनिया में नहीं है। और ज़िंदगी में ख़ासे उतार चढ़ाव देखे मोहम्मद अली ने, 20 साल अपनी ज़िंदगी के मोहम्मद अली ने खिदमत खल्क में गुजार दिए। और बॉक्सिंग किंग के हवाले से आपको बता रहे हैं कि मोहम्मद अली काफ़ी बॉक्सर्स की इंस्पिरेशन बने, काफ़ी बॉक्सर्स ने मोहम्मद अली को देखकर बॉक्सिंग में आने का फ़ैसला किया और आज ये अजीम शख्सियत इस दुनिया में नहीं रही। मोहम्मद अली मुतअद्दिद बार अलील हुए, मुतअद्दिद बार मोहम्मद अली को हस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। मोहम्मद अली के फैंस बड़ी तादाद में दुनिया भर में मौजूद हैं, बॉक्सिंग से ताल्लुक़ रखने वाले हों या मोहम्मद अली को बतौर इंसान लोग फॉलो करते थे। मोहम्मद अली जिस तरह से अवामी फलाह के मंसूबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, ये भी मोहम्मद अली की एक खासी बड़ी वजह शोहरत थी। और आज ये अजीम शख्सियत मोहम्मद अली अपने खालिक के हकीकी से जा मिले हैं। 74 बरस की उम्र में मोहम्मद अली अमरीका के एक अस्पताल में दम तोड़ गए हैं।
अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मोहम्मद अली सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में जेरे इलाज थे और मोहम्मद अली की तदफीन उनके आबाई शहर में की जाएगी। बॉक्सर मोहम्मद अली ने 1984 में पार्किंसन की तशखीस के बायस बॉक्सिंग छोड़ दी थी। बॉक्सर मोहम्मद अली ने आपको बताएं कि 1964, 1974 और 1978 में आलमी चैंपियन भी रहे। अली शाह बॉक्सिंग रेफरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मोहम्मद अली साहब के हवाले से। अली शाह साहब, मोहम्मद अली साहब यकीनी तौर पर बॉक्सिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम मोहम्मद अली साहब, और मोहम्मद अली को देखकर लोगों ने बॉक्सिंग शुरू की, लेकिन आज मोहम्मद अली साहब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहम्मद अली के हवाले से आप कुछ कहना चाहें? मोहम्मद अली दुनिया बॉक्सिंग की अजीम तरीन शख्सियत है, और अगर पाकिस्तान के अंदर किसी ने बॉक्सिंग में जान डाली है तो वो मोहम्मद अली थे। जब 89 में वो मेहमान की हैसियत से साउथ एशियन गेम में इस्लामाबाद में तशरीफ लाए थे तो लियारी के बिलखसूस बॉक्सरों में ज़बरदस्त किस्म का जोश और खरोश था, इसलिए कि एक तो वो काले घिंगरू बाल वाले थे, दूसरी बात ये कि वो दुनिया के अजीम बॉक्सर थे। इसी दो चीज़ों ने उनकी अजमत को दुनिया में जो मुतारफ करा दिया, और वो जो लियारी के लोग थे जो मकरानी बलोच वगैरह थे उनको ताकत मिल गई कि हम जो है वो दुनिया के बेहतरीन किस्म के जो है बॉक्सर बन सकते, और उन्होंने वाकई दुनिया का बेहतरीन बॉक्सर होने का एजाज भी हासिल किया। तो ये सब हम उस अजीम बॉक्सर की वजह। अच्छा अली शाह साहब, हमने तो इंटरनेट पे देखा मोहम्मद अली की बॉक्सिंग को, हम महरूम रहे क्योंकि हमारे वक्त में मोहम्मद अली बॉक्सिंग नहीं करते थे, लेकिन आपने बड़ा देखा होगा मोहम्मद अली को बॉक्सिंग करते हुए। रिंग में उतरते जब मोहम्मद अली, तब क्या मोहम्मद अली की क्या अप्रोच होती थी, क्या इनका जज्बा हुआ करता था जब ये खुद रिंग में उतरा करते थे? मोहम्मद अली इंतहाई सीधी सादी तबीयत के थे, क्योंकि बेसिकली उसकी गरीब फैमिली से ताल्लुक था, लिहाजा वो बॉक्सिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, कभी उनमें गुरूर और तकबर नहीं आया। दुनिया के बेहतरीन फुर्तीले चाबकदस्त बॉक्सर थे, और जो अपनी जो है फतेह को भी जिंदा दिली से तस्लीम करते थे और अपनी हार को भी जिंदा दिली से तस्लीम करते थे। ऐसी अजमत और ऐसा जो है बहुत कम बॉक्सरों में मिलता है। अच्छा अली शाह साहब, मोहम्मद अली साहब की बॉक्सिंग करियर की अगर बात की जाए तो कुछ बड़े मशहूर वाकयात भी मोहम्मद अली साहब से मंसूब हैं, कुछ इक्का दुक्का वाकयात अगर आप हमें और हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहें। देखिए, सबसे बड़ा जो है जब उनका फाइट हुआ था और उनका जबड़ा टूट गया था, लोग जबड़ा टूटने के बाद की माना समझते हैं आप, यानी उसकी बॉक्सिंग खत्म। लेकिन जबड़ा टूटने के बाद भी मोहम्मद अली जब दोबारा आलमी चैंपियन बन गया, अपने वेट का आलमी चैंपियन बन गया, तो आप उसकी मेहनत, उसकी अजमत का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको अपनी खेल में कितना ज्यादा लगाव था कि वो जो नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखाते थे। बहुत शुक्रिया अली शाह साहब, बॉक्सिंग रेफरी हमारे साथ मौजूद थे, कुछ यादें ताज़ा कर रहे थे मोहम्मद अली साहब के हवाले से, मोहम्मद अली के करियर के हवाले से, एक शानदार करियर के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। मोहम्मद अली जब बॉक्सिंग रिंग में आते थे तो एक जज्बे के साथ आते थे, और मोहम्मद अली एक दुनिया के अजीम तरीन बॉक्सर जो कि आज के दुनिया के बॉक्सिंग में जो बड़ा नाम रखते हैं उनकी इंस्पिरेशन बने, उन्होंने मोहम्मद अली से सीखा, और मोहम्मद अली जब 1989 में पाकिस्तान आए साउथ एशियन गेम में शिरकत के लिए, तब मोहम्मद अली ने लियारी के जो लोग थे उनमें एक बॉक्सिंग का जज्बा देखा, बॉक्सिंग का जज्बा उभारा, और आज यही वजह है कि पाकिस्तान में अगर बॉक्सिंग की बात की जाए या फुटबॉल की बात की जाए तो लियारी के लोग सर्रफेरिस नज़र आते हैं। और साथ ही साथ मोहम्मद अली साहब के हवाले से बहुत से तारीखी वाकयात मोहम्मद अली के इस तारीखी बॉक्सिंग करियर के साथ मंसूब हैं, लेकिन मोहम्मद अली का जज्बा ये था कि जब किसी बॉक्सर का पंच लगने के बाद जबड़ा टूट जाता है तो उसके बाद कहा यह जाता है कि उसका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है, लेकिन मोहम्मद अली का जब एक मैच के दौरान जबड़ा टूटा तो मोहम्मद अली ने हार नहीं मानी, अपना इलाज करवाया, और इलाज करवाने के बाद मोहम्मद अली आलमी चैंपियन बने। यकीनी तौर पर यह एक अजीम बॉक्सर ही ऐसा कर सकता है। मोहम्मद अली अजीम बॉक्सर भी थे और अजीम शख्सियत भी थे। मोहम्मद अली ने 23 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था, और मोहम्मद अली ने आप बताएं कि 1975 में इस्लाम कबूल किया। बॉक्सर मोहम्मद अली पहले कैसेस कले के नाम से जाने जाते थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उनका नाम मोहम्मद अली रखा था।
नाज़रीन अजीम